अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं औरंगजेब शेख आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जियाज कुकिंग में वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला के रहम और करम बरकत और शुक्र से आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शोरमा। चले इसका प्रिपेयर कर लेते हैं। चले तो व्यूअर्स, अरेबियन चिकन शोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, और मैंने ब्रेस्ट यानी चिकन ब्रेस्ट लिया है। उसे मैंने इस तरीके से थिन स्लाइसेस में काट लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने उन्हें थिन स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो चिकन को हम मैरिनेट करते हैं, सबसे पहले हम ऐड करते हैं आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें चिकन टिक्का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 4 टीस्पून दही यानी कर्ड, 1 टीस्पून नींबू का जूस, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑल स्पाइसेस पाउडर। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से, और चिकन को मैरिनेट होने देंगे हम करीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए, इसमें हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है, हमने चिकन को अपने हाथों की मदद से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है इसे मैरिनेट करने के लिए। अब हम जो है 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देते हैं कवर करके। तो अब हम चिकन को कवर कर रहे हैं और इसे रेफ्रिजरेट करते हैं करीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो व्यूअर्स ये देखिए, हमें करीबन करीबन 1 घंटा हो चुका है, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम जो है इसे हमारे फ्लैट पैन पर ग्रिल करने के लिए इसे रख देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, हमने एक फ्लैट पैन ले लिया है हमारी चिकन को ग्रिल करने के लिए। तो व्यूअर्स ये देखिए, हमारा पैन गर्म हो चुका है और उस पर हमने ऑयल ब्रश कर लिया है, और अब हम जो है हीट लो की है हमने, और हमारी जो चिकन है इसे पैन पर हम ग्रिल कर लेते हैं। इस तरीके से हम सारे चिकन जो है पैन पर डाल देते हैं और इन्हें स्लो कुक कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रिल हो जाए। इसी तरीके से हम सारी चिकन जो है पैन पर डाल देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने सारी चिकन को जो है पैन पर डाल दिया है ग्रिल करने के लिए। अब हम इसे कवर करके स्लो कुक कर लेते हैं। तो ये इसे हमने कवर कर लिया व्यूअर्स, तो स्लो हीट पर इसे हम कुक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक हमारी चिकन कुक हो रही है उस वक्त तक हम जो है हमारी वेजेस कट कर लेते हैं। वेजेस के लिए हमने लिए व्यूअर्स, हम करीबन इसमें से 1/4 कैबेज ले लेंगे, साथ में हम 2 टमाटर ले लेंगे, 1 शिमला मिर्च हमने ली है, कैप्सिकम, 2 टमाटो और 1 प्याज ली है, जिसे हम जो है कट कर लेंगे, सारी स्लाइस कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमने हमारी वेजेस कट कर ली है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चिकन ग्रिल हो चुकी है, इसे हमने पैन से जो है उतार लिया है। अब हम इन्हें जो है कट कर लेंगे। उससे पहले हमने जो हमारे वेजेस ले लिए, हमने हमारी वेजेस कट किए व्यूअर्स, इसे हम जो है सेम पैन पर ग्रिल कर लेते हैं जिस पर हमने चिकन ग्रिल की थी। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये रही हमारी वेजेस, जिसे हमने सेम पैन पर ग्रिल करने के लिए रख दिया है जिस पर हमने चिकन ग्रिल की थी। सिर्फ कैबेज हमने नहीं ग्रिल करना है, बाकी हमने टोमेटो, कैप्सिकम और ऑनियन को ग्रिल करना है। ये ग्रिल इसके लिए करें ताकि हमारी वेजेस में भी एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये रहे हमारी वेजेस जिसे हमने ग्रिल करके एक बाउल में ले लिया है। अब हम हमारे चिकन को जो है ग्रिल चिकन को कट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये है हमारी चिकन, अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। इन्हें आपने लंबा लंबा कट करना है इस तरीके से, थोड़ा थिन रखना है। ताकि आपके हर एक बाइट में जो है चिकन आए। तो ये काफ़ी टेंडर और जूसी चिकन है व्यूअर्स, आप देख सकते हो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है ये।
तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने सारी चिकन को जो है कट कर लेना है। तो अब हम जो है शॉर्मा का सॉस बना लेते हैं, मेयोनीज सॉस। अब साथ में हम जो है हमारा मस्टर्ड सॉस इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमने ले लिया मेयोनीज, मस्टर्ड सॉस और थोड़ा केचप हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है मिक्स कर लेते हैं और एक स्प्रेड बना लेते हैं, जो कि हम जो है हमारे खबूज के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जो है खबूज के ऊपर जो मेयो स्प्रेड है वो रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसमें चिली गार्लिक का सॉस भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। तो ये हमारा मेयो स्प्रेड रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये है हमारा पूरा चिकन शॉर्मे के फिलिंग्स हमने तैयार करके रखी है। उसकी टॉपिंग्स के लिए हमने जो है कैरेट यानी गाजर पिकड़ लिया है, पिकल गाजर, और हमने ली है एलिपिनोस। ये गाजर को या कैरेट को पिकल कैसे कहते हैं इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ किसी रोज़ शेयर कर लेंगे, और एलेपिनोज भी कैसे पिकल करते हैं इसकी भी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो हमने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो भी ले ली जो शॉर्मे की फिलिंग के अंदर जाएंगे। फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी हमने ऑलरेडी डाली है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी डाल देते हैं। खबूज कैसे बनाते हैं खबूज की रेसिपी भी जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, या आई बटन पर आप प्रेस करके वो भी जान सकते हो। तो चलें शॉर्मा प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, चलें। तो व्यूअर्स, अब हम जो है हमारा शॉर्मे का प्रिपरेशन रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, हम जो है हमारे खबूज जो बनाए हुए हैं हमने वो ले लेते हैं। हमारे खबूज को हम जो है पैन पर गरम कर लेते हैं व्यूअर्स, अच्छी तरीके से इसमें सेक लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि कोई कच्चापन ना रहे इसमें। तो व्यूअर्स ये देखिए, हमने हमारा जो खबूज है उसे एक बटर पेपर ले लिया जिसके अंदर हमने इसे रैप करना है, तो उसी में हमने हमारे खबूज को रखा है। अब इस पर जो हमने हमारा मेयो रेडी किया था, स्प्रेड रेडी किया था, वो अप्लाई कर देते हैं। अच्छी तरीके से मेयो अप्लाई कर लेने के बाद में इसमें हम जो है हमारे चिकन को रख देते हैं। हर बाइट में जो है हमें चिकन आनी चाहिए, इस तरीके से हम जो है चिकन को फिलिंग में रख रहे हैं। बाद में इस पर जो है हम हमारे जो वेजीज है वो डाल देते हैं, जो ग्रिल वेजीज हमने करके रखी थी वो हम ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर हम जो है हमारे फ्राइज रख देते हैं, फ्राइज के ऊपर हम पिकल कैरेट रख देते हैं, जलेपिनोस जितना आपको पसंद है, और लास्ट ऊपर से कैबेज, और सॉस अगर आपको और चाहिए एक्स्ट्रा तो सॉस आप ऊपर से मेयो सॉस। तो इसे अब हम जो है फोल्ड करके क्लोज कर लेंगे व्यूअर्स, इस तरीके से मैं इसे पकड़ के फोल्ड कर लेता हूँ एक बटर पेपर के साथ में, आपने इसे पकड़ना है और इसे दबा करके जो है अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। और ये कर लिया हमने, तो ये देखिए ये शॉर्मा हमने हमारा रैप कर लिया है। तो इसी तरीके से हम बाकी शॉर्मा भी रेडी कर लेते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये रहा हमारा चिकन शॉर्मा बिल्कुल तैयार, ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए। देखिए कितने अच्छी तरीके से इसकी लेयर्स आई है, जिस तरीके से हमने इसको रैप किया था, चीज़ की यहाँ पे लेयर आई है इस तरीके से, इतना अच्छा ये बना है। तो ज़रूर आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिए व्यूअर्स, चिकन शॉर्मा। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोबारा मिलते हैं नई रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।